फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लाह की पतो। दोस्तों, आज हम आप लोग के बताएंगे उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को जानने से पहले पास में बेल आइकन का घंटी है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवा में कुलपति महोदय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश। विषय में है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व उत्तर प्रदेश सरकार प्रोनित आदेशों का विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन कर मध्य सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा कराने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हम समस्त छात्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में अध्ययनरत है। विश्वविद्यालय के तानाशाही रवैया के कारण हम सभी छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, क्योंकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार व उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बिना वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा कराए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया था। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय UGC व उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया और बिना किसी सूचना के परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया, जबकि विश्वविद्यालय व उससे संबंधित महाविद्यालय में लगभग 20% ही पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ है। उक्त के संदर्भ में हम आपको यथास्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सभी शिक्षा संस्थान बंद होने के उपरांत सभी छात्र छात्राओं अपने गृह जनपद व गृह राज्य जा चुके हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में अभी भी यातायात पूर्ण रूप से बहाल नहीं हुआ है। इस स्थिति में छात्र का परीक्षा में सम्मिलित होना संभव नहीं है। अगर किसी तरह से भी आ गए तो विश्वविद्यालय व संबंधित महाविद्यालय प्रशासन उन्हें छात्रावास रुकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि विषम परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम का तत्काल रूप से रोक लगाने व उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रोन्नत कराने की कृपा करें। अगर परीक्षा पर रोक न लगाई गई तो अन्य राज्यों के छात्र का परीक्षा में सम्मिलित होना असंभव है और UGC के साथ साथ राज्य सरकार के आदेशों के अवहेलना भी होगा। इस महान कृपा के लिए हम आपके जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। सर, धन्यवाद। और ये जो है प्रार्थी भास्कर दुबे, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। प्रतिलिपि में कहा गया है, माननीय डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सेकेंड में महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर में डॉक्टर DP सिंह जी, चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में कहा गया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो अयोध्या में है, वो यूनिवर्सिटी जो है UGC का नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सेमेस्टर को भी प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रमोट नहीं किया गया और अचानक नोटिस जारी कर दिया गया। दोस्तों, अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण भारत में करीब 90% मतलब ट्रेन नहीं खुल चुकी है या कोई भी यातायात आने का साधन नहीं हुआ अच्छे से। तो किसी तरह से यदि आ भी जाए स्टूडेंट तो उसको हॉस्टल में रहने का नहीं दिया गया अनुमति, तो कहाँ पर रहेंगे और परीक्षा भी देना असंभव। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि धरना दीजिए और आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए या सरकार को गुहार लगाइए कि सर परीक्षा इस बार रोक दिया जाए ताकि और किसी का जिंदगी का मौत का हाथ न लग जाए। तो थैंक दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक दोस्तों।